उनको नस्ल सुधार पे ज्यादा फोकस करना है। ये बोलते हैं ये जो ब्रीड है वापस नहीं मिलेगी, इसलिए इनके फार्म पे सभी को एकदम संभाल के रखा हुआ है ताकि लुप्त ना हो जाए, इनके पास में रह जाए ये सभी नस्ल। और तीन भैंस सांप को विजिट करवा दी है, अब चौथी करवाते हैं, इसी की बेटी है टोपली की, ये है मैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात के पोरबंदर जिले में, तो यहाँ पे एक छोटा सा गांव है देख गांव, तो इस गांव में आए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फार्म बना हुआ है, टोपली फार्म के नाम से फार्म है। यहाँ पे हमने 3-4 बार पहले भी विजिट कर लिया है इनका फार्म। यहाँ पे जो भैंस है पूरे गुजरात में फेमस है, एक एक भैंस यहाँ की, चाहे कटड़ा हो या चाहे कटड़ी हो या बड़ी भैंस हो, सभी भैंस पूरे गुजरात ऑल इंडिया में फेमस है। क्योंकि इस ये जो भैंस आप देख रहे हो इनका वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत कम चांस में देखने को मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और भैया से पूरा एड्रेस जानते हैं, कितने भैंस है इनके पास में पूरी डिटेल जानते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम बता दीजिए और आपका एड्रेस बता दीजिए। पोरबंदर के पास में देगा, पोरबंदर के पास में देगा। पोरबंदर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? 5-6 किलोमीटर। अच्छा 5-6 किलोमीटर दूर है। तो आपके फार्म का नाम क्या है? टोपली फार्म के नाम। अच्छा टोपली फार्म के नाम से। कितने साल पहले आपने शुरुआत की? मैं तो 20 साल से ये कर रहा हूँ। अच्छा 20 साल से ये कर रहे हो। कितनी उम्र थी तब तो स्टार्ट किया आपने ये? तो 15 साल की। अच्छा 15 साल की उम्र में आपने स्टार्ट कर दिया था। उस समय आपके पास में कितनी भैंस थी? एक ही भैंस लाया था। अच्छा एक ही भैंस लेके आए थे, वो भी बाकड़ी थी। वो भी बाकड़ी थी। अच्छा बाकड़ी भैंस से आपने स्टार्ट की थी, वो ये क्वालिटी दिख रही है इनमें से थी या इनमें से बिल्कुल भी नहीं थी? ये तो कोई नहीं थी ना। तो अभी जैसे कि ये पैसे आपने तैयार की है, तो 20 साल में आपने इतनी मतलब पैसे अच्छी सी बना ली है। तो एक ही भैंस की ये सारी प्रोसेस है, ये मतलब अलग अलग भैंस की? अच्छा अलग अलग भैंस की है। तो पहले इस भैंस के बारे में आप डिटेल बता दीजिए, ये भैंस आपके फार्म पे तैयार की हुई है, आपने कहीं से परचेज की है? नहीं है, इसको जो छोटी थी 3 साल की तब मैंने खरीदी। अच्छा 3 साल की थी तब भी खरीद लिया आपने? तो किसान से खरीदी थी या? वो पहचान वाला है वहाँ से। अच्छा पहचान वाले वही से खरीदी है ना। तो इसकी मदर भी इतनी भारी बॉडी स्ट्रक्चर वाली थी या? बड़े वाले। अच्छा मदर भी बड़ी थी और ये भी बड़ी है, तो अभी दिखने में बहुत भारी दिख रही है। तो ये कौन सा ब्यात की होगी? पहला ही ब्यात बच्चा दिया, दूसरे ब्यात में। अच्छा अभी दूसरे ब्यात में है, देख के लग नहीं रहा है। आप भी वीडियो देख रहे हो, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये भैंस दूसरे ब्यात में है। सभी लोग बोलेंगे कि ये गलत है, पर गलत नहीं एकदम सही है, क्योंकि इसकी मदर पे गई है, मदर का बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा मतलब भारी था इसीलिए इसका भी इतना भारी है। तो भैया दूसरे ब्यात में बच्चा दे दिया है, अब देने वाले? नहीं अब तो प्रेग्नेंट है। अच्छा अभी प्रेग्नेंट है। कितने साल की होगी उम्र देखे तो? उम्र में 4 साल हुआ, 5वां साल चल रहा है। अच्छा 5वां साल अब चल रहा है, यानी कि 3रे साल में दूसरी पहली बार बच्चा दे दिया। अच्छा तो 5वां साल अभी चल रहा है ना, दूसरे ब्यात में अभी प्रेग्नेंट है। कितने महीने की है? वो 2-3 महीने हुआ। अच्छा 2-3 महीने, 3 महीने चल रहा है। पहले में कितना दूध निकाला? 9 लीटर एक टाइम का दिया था। अच्छा 9 लीटर एक टाइम का, पूरे दिन का 18 लीटर दूध दिया था। तो अब की बार तो और बढ़ेगा? हाँ ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा अब की बार। तो दोस्तों और जानते हैं इनके फार्म पे दूसरी भैंस है, तो इसकी कटड़ी आपके फार्म पे है या? एक कटड़ी है इसकी। अच्छा एक है, इनमें से कोई नहीं है इसकी कटड़ी? नहीं इनमें से नहीं है ना। तो दूसरे नंबर की भैंस दिखाते हैं, ये आपके फार्म से थी मतलब अपने फार्म की है या कहीं से परचेज की आपने? ये मैं परचेज की। अच्छा ये भी परचेज की, ये कहाँ से की? ये गेड़ बोलते हैं, वहाँ खरीदी थी। अच्छा तो दोस्तों देख लो, सोच बड़ी चीज होती है, बहुत सारे भाई परचेज करते हैं, सभी को ब्रीड का पता नहीं चलता है। तो इनको ऐसा शौक है जो मतलब ये ब्रीड का अच्छे, जो ब्रीड होती है अच्छी भैंस होती है उसी का सिलेक्शन करते हैं। इनके फार्म पे जो आपको दिखाई पहले नंबर वाली वो भी परचेज की है और ये भी इन्होंने परचेज की है। ये कितने साल की थी तब खरीदी आपने? ये पहले ब्याज में थी, सब खरीदी थी, दूसरे में बच्चा देने वाले। अच्छा दूसरे में बच्चा देने वाली थी, अब कितनी बार बच्चा दे दी है? तीसरी बार बच्चा दिया। अब देगी तीसरी बार या दे दिया है? कटड़ा या कटड़ी? नीचे कटड़ी है ना। अगले साल भी कटड़ी दी थी, इस साल भी कटड़ी। अच्छा तो इसकी मदर का फादर का रिकॉर्ड होगा या? नहीं मदर का फादर का तो रिकॉर्ड नहीं है, अच्छी लगी इसलिए। अच्छा तो इसका कितना कैपेसिटी है मिल्किंग की? 10 लीटर के कैपेसिटी। अच्छा 10 लीटर की, अभी 10 लीटर एक टाइम का दे रही है, पूरे दिन का 20 लीटर दूध कंप्लीट है इसका। अच्छा बहुत अच्छी है देख लो, और परचेज की तो भी अच्छी की। तो आप देवराज का टीका लगाया था, कटड़ी है वो देवराज। अच्छा देवराज की कटड़ी,
तो दोस्तों आप देख सकते हो अडर खन की क्वालिटी एकदम बड़े अडर वाली है ये भैंस। तो भैया आप ये भैंस खरीदते हो तो हम तो पूरे गुजरात में घूमते हैं, हर फार्मर की वीडियो बनाते हैं, पर उनकी चॉइस और आपकी चॉइस बिल्कुल ही अलग है। तो आप ऐसा क्या सोच के इतनी बड़ी बड़ी भैंसे खरीदते हो, इतना बड़ा बड़ा दाम दे के? बाखड़ी भैंस देख कर खरीद लेता। अच्छा, बाखड़ी देख के खरीद लेते हो? वो क्या है कि जो सब लोग थक गए वहाँ पे, ब्रीड की होती है तो भी बेस्ट है, क्योंकि आपके पास में अभी ये प्रेगनेंसी हो रही है तो आपको तो परेशान होके बेचनी है, एक साल देख लोगे बाद में तो आपको बेचनी है। पर आप जो बाकी भैंस खरीद लेके लेके आते हो वो यहाँ पे आके ऐसा क्या रहा है जो कंसीव हो जाती है? नहीं, ये तो मैं मिनरल मिक्सर खिलाता हूँ, ग्रमिया का डोज देता हूँ। अच्छा, वो सब इसका जो सिग्नल है वो करता हूँ। अच्छा, सारा मेंटेनेंस जो इसमें रहता है, इसके क्या क्या कैसे इसके शरीर को मेंटेन करना है वो सारा दिमाग इसके अंदर है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पशु चिकित्सक नहीं है, पर अपने फार्म से आज इनको 20 साल हो गए है तो इसीलिए इनको इतना नॉलेज आ गया है। और जहाँ पे जो बाखड़ी भैंस होती है बड़ी अच्छी नस्ल वाली होती है, कंसीव नहीं होती है, उनको अपने फार्म पे लेके आते हैं और अच्छी खासी उसकी केयर करते हैं, मिनरल मिक्सर वगैरह सारा जो इनको डाइट चाहिए वो खिलाते पिलाते हैं और अपने फार्म पे लाके वो कंसीव हो जाती है। तो अभी ये कंसीव हो गई आपके फार्म पे लाते हैं? तो यहाँ पे लाके कितनी बार बच्चा दे दिया? दो बार। अच्छा, दो बार दे दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आती है? हर साल टाइम में कंसीव हो जाती है? बहुत अच्छी बात है। एक ही राज है कि मिनरल मिक्सर वगैरह और मतलब और कौन सी दवा बताई आपने? वो करमिया का डोज आता है। अच्छा, करमिया का डोज आता है। और चारा दाना फीड इससे कुछ फर्क पड़ता है या? वो तो सबको देते हैं, वही देते हैं। अच्छा, वो पूरे गुजरात में सेम ही देते हैं आप? तो केवल ये जो आपने बताया करमिया का वो टीका वगैरह दूध देते हैं तो तेल डालते हैं, जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो तल तक ही डालते हैं। ऐसा जो उसको शरीर में जो आपने लगा के ये डालना है वही खिला, शरीर देखे आपको पता चल जाता है कि इसके शरीर में इस चीज की कमी है तो वो आप सिलाई पिलाई कर देते हो पूरी, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप जानते हैं तीसरे नंबर की भैंस के बारे में, ये है तीसरे नंबर की भैंस। पीछे की आप लेवटी देख सकते हो, बहुत ही भारी लेवटी इसने निकाली हुई है, बहुत अच्छा अडर है इसका। पीछे आप देखो, बहुत पीछे से बहुत ही अच्छा निकाला हुआ, एकदम फिट अडर वाली है, आगे से भी निकाला हुआ है। तो इसका राज जानते हैं, इतनी भारी लेवटी कैसे क्या बनी है, ऐसी क्या खिलाई पिलाई की है इन्होंने, तो ये इसके बारे में बता दीजिए आप। ये मैंने पहले से घर पे ही खड़ी की है। अच्छा, घर की है, खरीदी हुई नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो इसके मदर फादर का रिकॉर्ड अच्छा होगा या? हाँ, अच्छा था, इसलिए वो भी अच्छी निकली है। मेरे ख्याल से इतना तो दूध निकलेगी मेरे को पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं था, भगवान का जैसे कि गॉड गिफ्ट मिला है आपको, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कौन से भी हाथ में बच्चा दिया हुआ इसने? 6 बार बच्चा दिया। अच्छा, 6 बार बच्चा दे दिया। दूध की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कितना लीटर देती है? इसने 35 लीटर तक दिया है मेरे काम में। अच्छा, इसका आपके पास में रिकॉर्ड है? हाँ, रिकॉर्ड भी है। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ पे करवाया आपने? जो गुजरात गवर्नमेंट है ना, उसके पास 2 बार रिकॉर्ड कराया था। अच्छा, 2 बार रिकॉर्ड करवाया, दोनों बार में कितना कितना लीटर दूध आया? एक बार 3 टन से हो गई थी, 700 का रिकॉर्ड था। अच्छा, 2018 में, और 2019 में 27 ऊपर दिया था। क्या कि वो 3 टन था और तो डर ही हुई थी। हाँ। तो लीटर 2 लीटर इधर उधर होता है। अच्छा, लीटर 2 लीटर इधर उधर हो गया। बाकी 29 लीटर 700 ग्राम आपने मतलब कौन से ब्याज में रिकॉर्ड करवाया था? वो तीसरे ब्याज में। अच्छा, तीसरे ब्याज में 29 लीटर 700 ग्राम इसका रिकॉर्ड करवाया था गुजरात गवर्नमेंट में। बहुत ही अच्छा लीटर मतलब अच्छा दूध देने वाली भैंस है, तभी इसका अडर की लेवटी की साइज बहुत ही अच्छी हुई है, हाइट लेंथ बहुत अच्छी है, बॉडी का स्ट्रक्चर भारी है। और उस टाइम पे रिकॉर्ड करवाया तब 1 टन नहीं था, और अभी इसके कितने थन है? 2 ही टन। अच्छा, अभी 2 ही टन है। तो 2 टन से अभी कितना लीटर दूध दे रही है? 10 लीटर दे रही है। अभी 2 टन से 10 लीटर दूध दे रही है, और छठा ब्याज है ना, छठे ब्याज में देख लो 10 लीटर दूध दे रही है। तो ये जैसे लैक्टेशन के अनुसार दूध बढ़ता है या घटता है? नहीं, 3 साल तक बढ़ता है। अच्छा, 3 साल तक बढ़ता है, वापस घटने लग जाता है? नहीं, घटता तो नहीं है, लेकिन जो बढ़ता नहीं होगा, बढ़ता नहीं। अच्छा, बढ़ता नहीं है ना। तो सबसे कम दूध कौन से लैक्टेशन तक आती है तब कम कर देती है? मेरे फार्म में मैंने पहले मेरे सासू था ना, उसके पास बड़ी भैंस थे, 20 साल तक हमने दूध निकाला था। 20 साल तक दूध निकाला, जब भाव पूरी हो गई तब भी वो एक आंडो 20 लीटर दूध दे रही। अच्छा, इतनी बड़ी थी पहले। जो अच्छा खाना पीना होता तो दूध में तो कम नहीं करता। सही है। तो बहुत सारे लोग तो जैसे कि अब आप इससे 2 आंचल हो गए, तो कोई ऐसा सोचते है कि 2 आंचल हो गए सेल करते चाहूँ, तो आपने अपने फार्म पर रखे हुए तो
अब आगे जाके किसके लिए रखी है आपने इस तो ये सब बच्चा अच्छा बच्चा दे रही है ना। अच्छा अच्छी प्रोजनी के लिए रखी हुई है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसके कटड़े कटड़ियों के बारे में एक बार बता दीजिए, इसने जो इसने बच्चे किए उसको। देवराज गुल है पंजाब में। अच्छा पंजाब में देवराज गुल है, पहला या दूसरा? वो दूसरा है। अच्छा दूसरा, उसके बाद में? उसके बाद में मैना है। अच्छा ये मैना है आप देख रहे हो, तो मैना दूसरे ब्याह तीसरे ब्याह वाली है ना। और चौथे ब्याह वाली? चौथे ब्याह ने भीमापुर दिया। अच्छा भीमापुर वहीं पे दिया था, लक्ष्मी पंजाब में। और पांचवे में कटड़ी थी है, वो मुरली के नाम। अच्छा मुरली के नाम से, वो एक साल की है ना? हाँ एक साल से ऊपर सवा साल हुआ। और अभी छठे में कटड़ा या कटड़ी? कटड़ा है। अच्छा कटड़ा है ना। हाँ। तो इसका कटड़ा तो बुक हो गया होगा ना? हाँ, वो दो तीन लोग बोल रहे थे कि मेरे को देना। और जब भी वेला हो वेला, और जो पूरी दाम देकर खरीदा तो ही मैं बेचूंगा, अगर मैं घर पे फार्म पे रखूंगा। अच्छा घर पे। बहुत अच्छा शौक है भैया का, जो इतने मतलब अच्छी अच्छी पैसे इन्होंने रखी हुई है, और ज्यादा दाम भी मांगते हैं लोग बाग, तो भी ये सेल नहीं करते हैं, क्योंकि ना इसी के नाम के आधार पे आपने फार्म का नाम रखा है ना, नाम टोपली लापराबादी फार्म। इसका नाम पे मेरा यूट्यूब का नाम रखा। अच्छा इसका नाम पे यूट्यूब चैनल का नाम एक बार बता दीजिए आप। वो जाफराबादी मैना डेयरी फार्म है। तो जाफराबादी मैना डेयरी फार्म के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, तो आप सभी इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतनी अच्छी अच्छी भैंसे हैं इनके पास में, तो रोजाना की गतिविधि आप देख सकते हो इनके YouTube चैनल पे, और सब्सक्राइब भी करना इनके YouTube चैनल को, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं ये। तो ये मैना कौन से ब्यात में? पहले ब्यात में। अच्छा पहले ब्यात में कितने साल की है? तीन साल हुआ, तीन साल के एक दो महीने ऊपर हुआ। अच्छा तीन साल है दो महीने ऊपर हुए। देख लो इनके फार्म की सबसे खासियत ये है कि तीन साल या सवा तीन साल में कंसी होके बच्चा दे देती है भैंस। तो इनके फार्म पे ये देख लो मैना है, तीन साल और दो महीने की है, अभी इसने कटड़ी को जन्म दिया है ना। कितने दिन हो गए बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए उसको 15 दिन, 12-15 दिन हुआ। अच्छा 12-15 दिन हो गए। देख लो एकदम ओरिजिनल ब्रीड है जाफराबादी के अंदर, टोपली सभी पैसे अधिकतर इनके पास में टॉप लिए। ये कितना लीटर दूध दे रही है? 9 लीटर के आसपास चल रही है। अच्छा 9 लीटर के आसपास चल रही है ना, क्योंकि पहला ब्याह है तो और भी बढ़ेगा दूध इसका। अडर की एकदम क्वालिटी एकदम अच्छी है, और एकदम फिट बॉडी स्ट्रक्चर वाली पेंट है भैंसा है, बिल्कुल भी लटका हुआ मतलब इसका शरीर नहीं है, फिट बॉडी वाली है, चमड़ी में एकदम पूरी अच्छी शाइनिंग है, अच्छी केयर करते है इसलिए। और जानते हैं आगे की भैंस के बारे में। ये लास्ट बच्चा है पांचवे नंबर का, और भी है इनके पास में, जो इनके फार्म के अच्छे अच्छे नंगीने हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये बुल है, ये इसके मदर बकरी से। अच्छा बकरी से है ना, बहुत ही जबरदस्त बुल है। जा रहे थे अच्छा कटिंग में जा रही थी, वहाँ से खरीदी थी वो पिकअप बोलता है ना, इसमें भर गई थी। अच्छा भर गई थी, बाद में आपने जितना पैसा आप ले सकते हैं ले लो दादा, लेकिन ये भैंस मेरे को दे। अच्छा तो वो बोला नहीं देना है, तो मैं यहाँ से निराश होकर निकल गया। थोड़े देर भूगा तो उसने बोला कि 5,000 रुपया लूंगा, मैंने बोला आजा। अच्छा हाँ मेरे पाम पे उतार दे 5,000 में। तो इसकी माने मैं 45,000 में खरीदा। अच्छा 45,000 में खरीदा था, वो जो फाड़े वाला था वो उसको 5,000 दिया था। 45,000 में खरीदी और नंगीना तैयार किया। तो इसके मदर भी दूध का रिकॉर्ड अच्छा होगा। इसकी मदर का एक टाइम का 14 लीटर दूध। तो 14 लीटर 28 लीटर दूध देने वाली भैंस को मतलब कटर में क्यों जाने दे रहे थे? या मतलब कंसीव नहीं हो रही थी। अच्छा कंसीव नहीं हो रही थी, बाद में आपके फार्म पे लाके ये इसको जन्म दिया उसने। हाँ, इसने जन्म दिया। तो इसका नाम क्या है? शिवराज है। अच्छा शिवराज है ना। शिवराज बहुत ही जबरदस्त फूल तैयार किया है भैया ने। कितने साल का है ये? अभी चल दो साल के ऊपर का। अच्छा 2 साल के ऊपर का है, मात्र 2-2.5 साल का है, तो भी आप देख सकते हो हाइट बॉडी स्ट्रक्चर एकदम अच्छा है, और आगे का आप सिर देख सकते हैं इसका कितना उभरा हुआ है, बिल्कुल छोटा मुंह है, यहाँ की साइज आप देख सकते, यहाँ से लेके यहाँ मतलब डेढ़ फीट के अनुसार होगा यहाँ की ये जो साइज है। बाकी आंख आप देख सकते बिल्कुल छोटी है, सींग की बनावट एकदम परफेक्ट है। इसकी जो प्रोजनी आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा था। इसका फादर कौन है? खुशबुल। अच्छा खुश GLTP का खुशबुल है ना, गुजरात गवर्नमेंट का GLTP का खुशबुल इसका फादर है। देख लो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो अभी ये चालू हो गया। शुरू हो गया। अच्छा शुरू हो गया ना, तो आपके फार्म पे पैसे हो गए इससे? नहीं अभी नहीं हुई है। अच्छा अभी नहीं हुई है ना, तो रिजल्ट आना अभी बाकी है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि पुल भी एकदम अच्छा है,
और अभी तो इसकी ग्रोथ और बढ़ेगी। हाँ अभी तो बढ़ेगी, दो साल तक बड़ा होगा। इसकी मदर मेरे बड़े इतनी थी। अच्छा इससे बड़ी थी ना। तो इसके क्या कैसे क्या खिलाई पिलाई करते हैं? कहते हैं ना कि कुछ लगते हैं डेयरी फार्म में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो इसकी सिलाई पिलाई में कितना क्या खर्चा आता है, कैसे क्या करते हो आप? ये तो क्या है कि एक भैंस मान के चलना पड़ेगा कि चार्ज में एक भैंस ही खड़ी है। अच्छा एक भैंस से बराबर ही खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं है नहीं। अच्छा दाना कितना कैसे खिलाते हो पूरे दिन का? वो भैंस से तो कम देते हैं, वो भैंस को 8-10 किलो चाहता है, इसको तो 4-5 किलो में कम। अच्छा 4-5 किलो में भी इतना तंदुरुस्त है? तो इतना मतलब ये सभी वैसे इतने तंदुरुस्त हेल्दी है, इसके पीछे का क्या राज है? वातावरण सेट कर जाता है, वातावरण सेट होता है वो, बाद में क्या है उसको टाइम पे जो थोड़ा मिलेगा लेकिन टाइम से मिलेगा ना। सही मिलेगा, सही मैनेजमेंट रखा हुआ है। देख लो इनका ये कहना की मतलब टाइम पे मिलना, जो भी चीज कम भी मिले सुबह, जैसे की 5-6 बजे चारा डाल रहे हैं, दिन में 2 बजे डाल रहे हैं, शाम को 5 बजे डाल रहे हैं, वो जो टाइम फिक्स है उसी टाइम पे इनको जो मिलेगा जितना भी मिलेगा उसमें इनकी अच्छी केयर होती है, तो अच्छा मैनेजमेंट। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि इतना बड़ा चार हो वो डाल देते, वो खाना नहीं खाया, वो खाएगा नहीं। इससे छोटे वाला ऐसा चारा डाल दो, थोड़ा डाल दो लेकिन इतना डाल, अच्छा डाल दो, अच्छा डालेगा तो खाएगा वो अच्छा रहेगा। सही है, आपको जो ममरा की थैली आती है वो गुड़ खरीद कल देते तो भी अच्छा नहीं होता। सही है, गुड़ घी का थोड़ा लाडू खा लेगा तो भी पेट में, तो भी पेट में अच्छा रहेगा। तो भी ऐसा ही है, थोड़ा खिलाओ लेकिन अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ जो भी खिलाओ, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही पे एंड करेंगे, ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो जो भी भाई को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, और आज की वीडियो करते हैं यही पे एंड। मिलते हैं और अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।